ये क्लास स्टार्ट हो गई, इसकी लिंक भेज देते डाइस के क्वेश्चन पर ही। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ये स्टार्ट करेंगे डाइस के क्वेश्चन का। डाइस के क्वेश्चन का आज सॉल्व करेंगे, कल भी ये टॉपिक था डाइस का, जो कैंडिडेट आ नहीं पाए थे या फिर जिनको प्रॉब्लम आ रहा था, तो एक मतलब ऐसे थोड़ा स्पीड में कवर कर लेंगे। वेलकम टू सक्सेस मंदिर। मैक्सिमम स्टूडेंट मैंने देखे हैं, तो बिना पेन और कॉपी के इसको कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। चलिए तो आप हमारे चैनल के नए व्यूअर को दबाएं। सबसे पहले क्या होती है स्टैंडर्डाइज, कौन सी होती है? ये पहला कंसेप्ट ये था कि दो तरह के डाइस होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। दो तरह के डाइस होंगे, फर्स्ट ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड। ऑर्डिनरी डाइस कैसे पहचानेंगे? कोई भी डाइस के जो भी आपको डिजिट दिखाई दे रहे हैं तो उसके अंदर अगर वो मिलकर 7 आता है उसका कैलकुलेशन, जैसे 4 और 5 कितना हो गया 9, और 5 और 3 8, लेकिन 3 और 4 मिलाकर 7 हो गया, तो ऑर्डिनरी डाइस यानी कि जनरल डाइस भी उसको कह सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानेंगे? स्टैंडर्ड डाइस के अंदर आपको 5 और 4 जो होता है, या फिर जितने भी डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं 3 डिजिट, तो तीनों का कैलकुलेशन मिलाकर 7 नहीं होगा, तो ये जो है तो स्टैंडर्ड डाइस आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि स्टैंडर्ड डाइस के अंदर जो भी वैल्यू आपके पास दिखाई देंगी, जैसे मिसाल के तौर पर 1 है, 1 में अगर आप 6 मिला देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे 6 होगा, 7 होने पर, तो उसका अपोजिट फेस क्या रहेगा? 6। 5 का अपोजिट रहेगा 2, 100%, और 4 का रहेगा 3, इस तरह से। जबकि ऑर्डिनरी डाइस को पहचानना मुश्किल होता है अगर वहां पर 7 अगर आता है तो। जो फेस हमें दिख रहे होते हैं डाइस के सामने, जो फेस हमें शो हो रहे होते हैं कि उनको किसी को भी जोड़कर आपको 7 नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 1, 5 और 4, तो 1 और 5 को जोड़ूंगा मेरे को 6 मिलेगा, 1 और 4 को जोड़ूंगा मेरे को 5 मिलेगा, 5 और 4 को जोड़ूंगा मेरे को 9 मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टैंडर्ड आइस के अंदर जो अपोजिट फेस होते हैं उनका सम 7 होता है, इसीलिए हमें जो आपको फेस दिखते हैं उनको जोड़ने से कभी 7 नहीं मिलता। ठीक है, अब इसका मतलब 1 के अपोजिट फिर स्टैंडर्ड आइस में क्या होना चाहिए भाई? 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 6, तभी हमें 7 मिलेगा। 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए भाई हमें? 3, तो तभी हमें 7 मिलेगा। 5 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 2, तभी हमें क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है? ऑर्डिनरी डाइस में ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी डाइस में आपको जो फेस दिख रहे होते हैं उसमें यदि किसी भी दो फेस को जोड़ने पर आपको 7 मिल जाए, समझ लीजिए वो आपके डाइस क्या है? ऑर्डिनरी डाइस। वो आपकी डाइस क्या है? ऑर्डिनरी डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम 7 होता है, इसलिए हम अपोजिट फेस को 2D फिगर में एक साथ नहीं दिखा सकते।
तो ये आपकी क्या है, ऑर्डिनरी डाइस। तीन और पांच जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आठ मिलेगा। चार और पांच जोड़ोगे आपको क्या मिलेगा, नौ। फुटरा तो लाइन ना आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? स्क्रीन दिखाई दे रही है। सर हमको पूरा ब्लैक हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आपकी अरे फुर्रातु लाइन को दिख रही है क्या? फुर्रातु लाइन, आपका माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। अभी दिख रही है क्या आपको यासमिन मैम स्क्रीन? ये सर अभी विजिबल बोले? है। हाँ अभी दिखाई दे रही। वॉइस भी क्लियर है ना? ठीक है, तो ये इस तरह से दो टाइप के डाइस रहेंगे, एक ऑर्डिनरी डाइस और एक है स्टैंडर्ड डाइस। तो ऑर्डिनरी डाइस कैसे पहचानेंगे, अगर उसके सामने जो फेस है जैसे कि 5 4 3 ऐसे जो भी हमारे पास में डिजिट दिखाई देंगे, अगर उसका सम मिलाकर अगर 7 होता है, मिसाल के तौर पे अगर 4 और 3 7 हो गया, तो उसको कहेंगे ऑर्डिनरी डाइस या फिर जनरल डाइस। और दूसरा होता है कि स्टैंडर्ड डाइस, जिसका कोई भी सम करने पर मिलाने पर उसका 7 नहीं आएगा, तो वो रहेगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में ये रहेगा कि 100% 1 में 6 मिलाने पर 7 जब मिलेगा तो उसका अपोजिट फेस 6 रहेगा, और 5 का 2 रहेगा, 3 का 4, क्योंकि उनको सम करने पर उसका फेस 7 आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डाइस में हम 100% श्योर होकर बोल सकते हैं कि उसका अपोजिट फेस क्या रह सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी डाइस में जब हमारे पास अगर 7 मिल जाता है पहले ही, तो हम उसका कैलकुलेट नहीं कर पाते कि उसका अपोजिट फेस क्या रहेगा। तो ये टॉपिक है, इसका यहाँ से शुरुआत। मिलेगा ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस आप पता लगा लोगे यदि फेस को किसी भी, मान लो जी आपको डाइस की चार पोजीशन दे रखी है, किसी भी पोजीशन पे चाहे पहली दूसरी तीसरी चौथी, आपको किसी भी पोजीशन में दो नंबरों को जोड़ने पर आपको 7 मिल गया तो वो आपकी ऑर्डिनरी डाइस है। 7 नहीं मिला कहीं भी किसी पोजीशन पर किसी स्टेप पर तो आपकी क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में यदि किसी नंबर के अपोजिट पूछे, मान लीजिए 4 के पूछे, ठीक है, तो आपने 3 जोड़ देना उसमें, मतलब कि 7 मिलेगा आपको, तो 4 के अपोजिट 3 है। 5 का पूछे उसके अपोजिट 2 है। 6 के पूछे उसका अपोजिट क्या है, 1। ऑर्डिनरी डाइस पूछे तो इसके कुछ दो या तीन थ्योरम है, वो हम देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सोल्व करें, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका डाइस का आप सोल्व करने से पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है कि दी गई डाइस आपकी स्टैंडर्ड है या फिर ऑर्डिनरी है। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि फेस को 6 और जोड़ने को हमें क्या मिल रहा है, 7। तो ये आपकी क्या है, साधारण डाइस है, मतलब कि ऑर्डिनरी डाइस है। अब थ्योरम नंबर 1 आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, वो क्या है कि जब भी आपके दो फेस कॉमन होंगे, देखिए यहाँ पर 4 और 4, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे आपने देखा 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो जब भी आपके दो फेस कॉमन होंगे, ध्यान रखना जो आपके बच गया है फेस, यहाँ पे बच गया है 1 और यहाँ पे बच गया है 5, तो ये 1 और 5 एक दूसरे के हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये आप नोट कर लीजिए थ्योरम नंबर 1। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट आपका क्या है, 5। तो जब दो फेस कॉमन होंगे तो जो आपका तीसरा फेस यहाँ, यहाँ से समझा, इसको सॉल्व करने के ये तीन थ्योरम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टू पोजीशन दिए हुए डाइस के, जहाँ पर एक
अगर टॉप में होता है तो उसका बैक साइड में क्या आएगा? तो यहाँ पर थ्योरम नंबर वन क्या है, साधारण डाइस है, मतलब कि ऑर्डिनरी डाइस। पहले हमने चेक कर ले कि ये पहली वाली ऑर्डिनरी है, जनरल डाइस साधारण, और दूसरी स्टैंडर्ड है। तो अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वन के टॉप में क्या आएगा? तो पहले क्या देख लिया गया कि उसके साथ साथ में कौन से दो डिजिट है, मिसाल के तौर पे 6 और 4, तो 6 और 4 दोनों में कॉमन दिख गया, तो उसके अपोजिट 100% 1 का 5 होना वाला है। अब यहाँ से प्रैक्टिस करोगे वो 4, यहाँ पे भी 4 कॉमन होंगे, ध्यान रखना जो आपके। अभी जो बोले तो वो इसके अंदर वो कॉमन है, इसको थोड़ा स्पीड स्पीड में लेंगे। मतलब अब देखिए यहाँ पर ये, इसको सॉल्व कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग टू डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ डाइस व्हिच नंबर लाइज टू द अपोजिट ऑफ टू, वही टू के अपोजिट में क्या आएगा? 4 आएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 5 1 5 1 ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन अगर डाइस अगर दिख गए तो उसका 2 का अपोजिट 100% 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पोजिशन ऑफ क्यूब, क्यूब दिए हुए 3, जहां पर जो है तो बेस्ड ऑन द देम फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड अपोजिट ऑफ द नंबर 2 इन क्यूब। तो 2 का अपोजिट क्या है, तो हमें देखना है 2 कहाँ पर आ रहा है। तो 2 आ रहा है थर्ड इमेज में, जहाँ पर 2 में क्या है, 2 के साथ है 4 एंड 1। यस, तो ये कंफ्यूज करने दी गई थी ये इमेज, तो 4 एंड 1 4 एंड 1 यहाँ मिल गया, ये 6 है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे अब ये के कितने पॉसिबल डाइस है फेस, यहाँ पर जो कंटेंट होते हैं पॉइंट्स में, 2 में, 2 के अंदर कितने पॉसिबल डाइस है। तो 2 कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट में थर्ड में है है, थर्ड थर्ड में में है? और 3 भी है सर, फर्स्ट और हाँ थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में ये है, 3 भी लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड सेकंड यहाँ पर तो है, उसके साथ साथ में क्या 3 एंड 5, तो दोनों अलग जगह मिलेगा। जैसे कि सेकंड में है 5 और थर्ड में है 3, बाकी फोर्थ में कुछ रिलेटेड नहीं है। तो उस वजह से अभी हमें ये देखना होता है जो स्टेप वाला रूल है, स्टेप इसमें क्लॉकवाइज बोलेगा, हमने इसको स्टेप कंसिडर किया था। तो उसका मेथड क्या था कि 5 को कितने स्टेप चलना पड़ेगा 2 आने पर, नॉट तो 1 एंड 2 दो टाइम चलेगा, तो उसी तरह से उसका हो जाएगा 6, 5 चलेगा 1 एंड 2 2 टाइम। अगर हम बात करते हैं कि 3 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते थे, तो यहाँ पर से 3 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 3 के साथ में यहाँ पर 2 है। और ये रूल हमें याद रखना होगा कि कोई भी डाइस का जो डिजिट्स दिए होंगे या फिर जो भी नंबर या अल्फाबेट दिए होंगे, तो अपोजिट फेसिंग वाला डाइस उसके साथ में कभी नहीं रहता। तो यहाँ पर चूंकि 2 है, तो इसमें कभी भी ये सही नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट फेस इसमें नहीं अवेलेबल रहेगा। इसकी वजह से ये इसको तो छोड़ वन देना का रहेगा। फाइव नहीं होगा सर, फाइव 1 का, उसमें अगर अपने ऊपर 2 3 कॉमन है या हाँ थर्ड में फाइव, है तो वन का होगा तो 5 हो जाएगा, जी सर। लेकिन जो है तो 2 का फाइंड आउट करने में, जैसे कि यहाँ पर 2 था, जैसे सवाल आता है कि आपने सिर्फ 5 ही क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिए, ये थर्ड इमेज में था। तो थर्ड इमेज में यहाँ पर 2 प्रेजेंट था, और प्रेजेंस के साथ में कभी भी वो अपोजिट डाइज उसके इमेज में नहीं दिखाई देगा, तो उस वजह से उसको स्किप कर देंगे 2 की हद तक। अगर हम बात करते थे कि अगर 5 का अपोजिट क्या है, तो 5 को चलना होता था, मतलब 5 के हिसाब से अगर देखते थे तो 3 2 3 2 सिमिलर है, तो 1 होता था 5 के केस में। अगर 4 के केस में देखते थे तो क्या होता था, बोलिए? 4 के केस में हमारे पास यहाँ पर एक सेकंड और 4 है, फोर्थ फिगर, और सेकंड और थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर में 4 है। अब यहाँ पर सिमिलर क्या है, 6 सिमिलर है हमारे सिक्स पास, है, फोर 6, और फोर है, तो 4 का क्या होता था अपोजिट, फाइव वन का 5 अपोजिट नहीं आ रहा होता है, था। फाइव वन का आ रहा है, फोर फाइव वन के अपोजिट में सिक्स को कितने स्टेप थ्री चलना पड़ा, कॉमन 1 एंड 2, ऐसे क्लॉकवाइज में अगर मैं आना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में, 6 चला 5 पर और 2 2 स्टेप, तो 6 चलेगा 2, तो यहाँ वन पर तो वन तो फाइव का है, 1 भी फाइव नहीं फाइव रहेगा। वन फाइव है जैसे। हाँ तो यहाँ पर क्या है, पहले ये 4 है, तो ये यहाँ पर हम 4 का अपोजिट निकाल रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये है कि लास्ट इमेज हम देखेंगे नहीं कंसिडर, क्योंकि उसका अपोजिट फेस उसी इमेज में नहीं रहेगा, तो उस वजह से ये वाला नहीं रहेगा। हाँ पहले पहले वाले में 4 है, अभी हमें सिमिलर वाले देखना होता है 5 एंड 6, तो 5 वाला पहले देखना है कहाँ कहाँ पर, वाले जैसे कि फर्स्ट फाइव में वाला सर, यहाँ पर है फर्स्ट फर्स्ट, में और तो सिक्स फोर 5 चलेगा 1 स्टेप, तो 4 का अपोजिट 3 है, 1 स्टेप। और ये लास्ट वाले क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि यहाँ पर 6 तो था, लेकिन 6 के साथ 4 था, सेम पहले वाले केस में 2 के साथ में यहाँ पर 2 था, तो वो नहीं लिए थे, तो उसी वजह से लास्ट वाला नहीं लिया। तो यहाँ पर 5 वाला कहाँ पर है, उसके 7 वाले, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब पहले आप ये तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर है 4, लेकिन आपको अब ये देखना होता है दूसरी स्टेप में कि उसके 7 वाले कहाँ कहाँ पर है। तो पहले वाला 5 यहाँ पर है फर्स्ट इमेज में, हाँ दूसरे फोर्थ के वाला साथ लास्ट वाला, में,
लेकिन हाँ जो फर्स्ट इमेज है उसके साथ फोर नहीं है साढ़े तो वो कंसिडर होगा, क्योंकि सेम फेस वाली एक जगह पर नहीं रहेंगी इमेज हाँ उस वजह से। अब अगर हम बात करें, हमने किस किस का फाइंड आउट किया, 1, 5 का, 4 और 3 का, अब उसके बाद क्या बच गया, टू, टू का भी निकाल लिया हमने, 2 एंड 6 का, सब हो गए तो पूरे डाइस के निकल गए इसमें। अब इसके थ्योरम देखेंगे ठीक है। तो चलो दोस्त, कोऑर्डिनेट डाइस, दूसरा कुछ, 3 डाइस बच गए, फेस कॉमन हो, ठीक, 2 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, कितने से आएगा, तो यहाँ 2 मिला है तो क्या मिला, उससे आपको क्लॉकवाइज में मूव करना है, 2 के आपको 2 रहोगे, 2 उससे 3 गिरेगा, वो 1 स्टेप अपोजिट, और 5 के अपोजिट क्या है, ठीक है, आपसे यदि पूछ लेता कि 5 दिखाई नहीं दे रहा, जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा वही 5 के अपोजिट होगा, 4 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है आपको, तो यानी कि ये आपके जो है अपोजिट नहीं होंगे किसके, 5 के, तो बच गया क्या 1, वो होगा अपोजिट किसके, 5, वो अपोजिट किसके, ये वाला लेंथी है फाइंड आउट करने में, लेकिन अपन ने जो किए थे वो स्पीड वाला था कि 3 पोजीशन से चलेगा। आपने 5 का क्या फाइंड आउट किए थे, सही है वो 1 फाइंड आउट किए थे, हाँ हाँ बात 1, तो उसमें कोई केस वे में आपने सॉल्व कर दिए थे। तो थ्री तो थ्री फर्स्ट और थर्ड में तो थ्री कॉमन है, हाँ इधर पाँच इधर पाँच हाँ ये थ्योरम 1 है, इसको सॉल्व करने की इसको होगा फाइव दूसरी के, भी क्योंकि है, आप थ्योरम नंबर 2 की और प्रैक्टिस कर लीजिए, ये थ्योरम कोई भी अप्लाई करे जवाब आना चाहिए बस कोई ये केस वो में। थ्योरम नंबर 2 कौन सी है, सॉरी थ्योरम नंबर 3 पे आएंगे आप, पहली वो हो गई, दूसरी थी कि जो नहीं सेम दिखा बात है, तो वो वाली थ्योरम थी जो दिखाई नहीं देगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, अब 3 है। ये दो डाइस बताइए, देखिए 5 इसके अंदर भी है और 5 इसके अंदर भी एडिशन है, ठीक है, और 3 करने हो गए 6 और 4, तो यहाँ पे जो नंबर आपका अपर फेस में है कौन सा है, 2, यहाँ पे अपर फेस में क्या है 6, तो 2 हमेशा अपोजिट होगा किसके, 6 के, सामने वाले फेस में क्या है 3, सामने वाले फेस में क्या है 4, तो 2 अपोजिट, सॉरी 3 अपोजिट होगा किसके, सीधा 4, 3 किसके अपोजिट होगा 4, ये मेथड जो है इजी नहीं कंफ्यूजन है, ये इसमें क्या होता है कि आप जब उसको देखते हैं क्रॉस चेक करने में तो आप कभी इधर का वो साइड में ले ले सकते हैं, तो उस वजह से थोड़ा क्रिटिकल रहेगा। अभी देखिए उसके आगे भी है, अब 5 5 मैच है तो उसका क्या निकालेंगे, जो नहीं दिख रहा तो ये लेंथ ही जाएगा, क्योंकि 5 बच गया, जो नंबर बच गया वो उसके अपोजिट, 5 का तो 5 अपोजिट डाइस नहीं होने वाला है, होगा तो 5 के अपोजिट क्या होगा, तो अभी कैलकुलेट करना होगा इसमें, तो ये थोड़ा लेंदी वाला है, तो ये थ्योरम नंबर 3 आप नोट कर लीजिए, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा उसमें सिर्फ एक मिसिंग है, तो 5 के अपोजिट 1 रहेगा, तो वो कैलकुलेट करने पर, तो देख सकते हैं मेथड लेने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मालूम होना जरूरी है कि ये थ्योरम से भी सॉल्व होगा। थ्योरम नंबर 3 ये है कि 2 के मतलब ये दोनों डाइस देखना है, पहली और दूसरी, जिसके अंदर क्या है सेम कि है आपके पास में जैसा कि एक तरफ का 5 5 सेम है तो कोई एक सेम रहा चलेगा, तो दोस्त क्या पॉजिटिव लेकिन दूसरे चीजें ज्यादा सेम नहीं होना चाहिए, अगर 2 की जगह और 2 आता था तो नहीं होता, तब 2 के अपोजिट में यहाँ पर 6 है तो 100% 6 है, 3 के अपोजिट में 4 आ रहा है, और 5 5 अगर हो गया तो एक डिजिट बस मिसिंग है, वो कौन सा है, 1, तो 5 के अपोजिट में 100% 1। लेकिन ये कैसा है, कभी कभार आप इसको मिस कर सकते हैं, मिस हो सकती है आपकी, तो हमारा जो थ्योरम का जो पैटर्न है उसको ही फॉलो करें तो बेहतर है। इसको एक आइए, मतलब और देखिए, 2 मैंने आपको बता दी, थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है कि मान लीजिए आपको पेपर के अंदर सिर्फ ये 2 डाइस दे रखी हैं, ये 2 पोजीशन दे रखी हैं, और आपसे पूछ लिया उसने कि आप बताइए कि 3 के अपोजिट क्या है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, एक तो स्टेप मैंने आपको बता दिया, आप उस थ्योरम से भी कर सकते हो, दूसरी थ्योरम आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे देखिए 5 इसके अंदर भी है और 5 इसके अंदर भी है, और 5 की जो पोजीशन है, जो 5 की यहाँ पे क्या है पोजीशन है वो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी जो 5 की पोजीशन है वो राइट हैंड साइड है, ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 5 शो कर रहे थे तो यहाँ पे आप साथ में क्या शो कर रहे थे, 2 और 3, लेकिन यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हो, 6 और 5,
तो आपको सीधा कुछ नहीं करना, पोजीशन फिक्स है 5 की राइट हैंड साइड में, यहाँ पे 2 और 3 था, यहाँ पे नंबर चेंज हो गए 6 और 4, तो यहाँ पे जो नंबर आपका अपर फेस में है कौन सा है 2, यहाँ पे अपर फेस में क्या है 6, तो 2 हमेशा अपोजिट होगा किसके 6 के, सामने वाले फेस में क्या है 3, सामने वाले फेस में क्या है 4, तो 2 अपोजिट सॉरी 3 अपोजिट होगा किसके सीधा 4 के, 3 किसके अपोजिट होगा 4 के, और 5 बच गया, जो नंबर बच गया वो उसके अपोजिट होगा, तो 5 के अपोजिट क्या होगा 1, तो ये थ्योरम नंबर 3 आप नोट कर लीजिए। मतलब ये थ्योरम है ऐसे केस में जहां पर आपको पहले रूल्स याद नहीं आ रहे, अगर आप सर हमने जो किया ना वो लास्ट के 2 डाइस लिए, लास्ट के 2 डाइस, तो 8 का 1 का अपोजिट 5 आ रहा सर। हाँ बराबर, तो ये वाला कैसे पूछे थे उन्होंने, अगर आपको 4 इमेजेस नहीं देते थे अगर एग्जाम में और सिर्फ फर्स्ट के 2 इमेजेस ही आते थे अगर, तब आपके पास में लास्ट के इमेजेस नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करते थे, तो ये स्टेप उन्होंने बताया कि जो मिसिंग वाला है आपके सामने सारे नंबर्स है सिर्फ राइट हैंड साइड फिक्स है और एक मिसिंग है, तो उसके अपोजिट 100% जो मिसिंग वाला फेस है वो आ सकता है, मतलब सिर्फ ये कौन से केस में होगा जब सिर्फ 2 इमेजेस आपको दी गई बाकी के 2 को हटा दिया गया 3 और 4, तो उस केस के हिसाब से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि अगर हम जैसे हमेशा क्या देखते हैं कि 2 फेस जहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा है जैसे कि 3 का अपोजिट क्या है, तो हमें 3 में 5 5 कहाँ मिल रहा है, तो हम वो देखते थे 5, और उसको नंबर से हम एक स्टेप या तो चला कर लेते हैं या फिर उसमें 2 सिमिलर मिलने पर थर्ड वाला 100% होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टेप को चला भी नहीं सकते बैकवर्ड चलाना होगा तो ये केस में मतलब ये वाला इस्तेमाल में हो सकता है, यानी अगर ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में अगर आ गया, अब आपको सिर्फ 2 इमेज दी गई है और 2 इमेज में आप परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पर एक तो कहाँ से कहीं से भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि हम क्या करते थे कि इमेज में से ही रिजल्ट निकालते थे, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट में कहीं पर भी एक नहीं है, तो उसमें क्या करना है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट है मतलब इसका एक रुख जो है उसमें सामने के सिमिलर एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, और 5 कांस्टेंट दिख रहा है तो उसके अपोजिट में जो मिसिंग वाला नंबर है एक ही बच गया तो वो रहेगा, ऐसा अगर केस आता है तो उस केस के लिए आगे के केस में आप जैसे सॉल्व करेंगे तो हम उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये इसको सॉल्व करके बोलिए, 4 पोजीशन है डाइस के गिवन इन फिगर, फर्स्ट और थर्ड में 1 अपोजिट है 6 के, फर्स्ट एंड थर्ड में फर्स्ट और थर्ड तो 3 2 3 2 ये कॉमन है, तो 6 के अपोजिट में 1 हो गया, अब उसके बाद में दूसरी मेथड से अगर हम देखते थे 2 1 3 2 1 3 दोनों कॉमन है, थर्ड और फोर्थ, हाँ थर्ड और फोर्थ, तो 2 3 2 3 कॉमन है, लेकिन ये 1 1 भी ये कॉमन है, लेकिन हमें क्या करना है कि 6 का आइडेंटिफाई नंबर एट द बॉटम व्हेन टॉप इज 6, तो आपको अपोजिट ना पूछते मैं ऐसा घुमा के भी पूछ सकता है कि व्हाट इज बॉटम, बॉटम मतलब नीचे के साइड में क्या आएगा, टॉप में अगर 6 है तो हाँ 1 आएगा, क्योंकि हमने उसको कौन सा किया 1 को कंपेयर किया इससे, बाकी कहीं पर भी नहीं है। दूसरा आपको ये देखना होगा कि इसमें से कितने ऑर्डिनरी और कितने स्टैंडर्ड डाइस, वो बोलिए सारे स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड का क्या रूल है कि 6 के अपोजिट में 100% 1 मिला दिए तो होता है, तो इससे क्विकेस्ट मेथड में ये दूसरे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सा मेथड बाकी रह गया, 2 2 वाला, जैसे कि अगर ये लास्ट की इमेज नहीं दिखाई देती देते अगर थे और सिर्फ ये 3 इमेजेस अगर देते थे, तो आपके पास क्या है कॉमन 3 इमेजेस में 2 एंड 3 है, अगर हम 3 को चलाए 2 स्टेप तो वो 6 तक आएगा, तो 3 को 2 स्टेप चलाने पर 1 आएगा, 2 को 6 तक लाने 1 स्टेप 2 1, ये दूसरी ये मेथड से भी हम कर सकते हैं, तो इसका ऐसे आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए 5 और 1 3 स्टैंडर्ड है 6 आपका राइट आंसर, ये क्वेश्चन लेना है, How many dice are there on the dice face opposite to the face with one dot? One dot के opposite में क्या आएगा? तो one के opposite में क्या आएगा? One के opposite में 6 है sir. First figure और last figure. First figure जो है 2 3 और last figure में 2 3 है, तो 100% 6. अगर fourth image को हटा देते थे, अब कैसे करते थे? Fourth image जब हटा दी गई, तो अब सिर्फ 3 images है. तो sir first और second में 6 ही मिलेगा ना? 3 में से बोलिए, 3 में से कैसे solve करेंगे? 2 और 5, 2 और 5, second और third में 2 और 5. हाँ, 2 को जैसे स्टेप चलाते थे 1 और 2,
ये स्टेप वाले मेथड पे नहीं सेकंड 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 में बता रहे थर्ड में टू और फाइव कॉमन है हर वो एक्स आ रहा उसका हां 6 तो है इसके हम मेथड्स सॉल्व कर रहे हैं 1 सर ऊपर है या 6 हां हमने अगर सिर्फ तीन इमेज को एज्यूम किया फोर्थ वाले निकाल दी तो तीन इमेजेस में 2 5 2 5 दोनों जगह कॉमन है और 1 के अपोजिट में 6 है। अब ऐसा कीजिए कि दूसरी इमेज पे नहीं रहती थी फर्स्ट और 3 इसको इमेज को कंपेयर करके कैसे लेंगे फर्स्ट एंड 3 हां सर इसको टू टू वाला पे टू से टू इज उसकी पोजीशन ठीक से सर हां तो 3 के अपोजिट में 5 एंगल और फर्स्ट 1 डॉट के अपोजिट में 6 एंगल टू की पोजीशन फिक्स है तो टू 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 से स्टार्ट करे सर तो 1 का अपोजिट 6 आ रहा हाँ बराबर अपोजिट 5 एंगल सर बराबर राइट अब टू थ्री और जीरो के फिर फाइव हाँ राइट तो ये इस तरह से दो तीन मेथड 1 से 2 के स्टेप 2 से 3 पे सेकंड स्टेप फिर उधर 1 से हाँ स्टेप वाइज में भी कर सकते हैं उसको यानी कि 2 चलेगा 2 स्टेप 3 और 1 तक दो स्टेप चला तो 2 चलेगा 5 और 6 पर दो स्टेप से दो स्टेप वाला और कॉमन वाला ये दो ही चीज अगर आप याद रखेंगे ना हाँ तो इसमें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चंस ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड में आपको कंफ्यूज हो सकते हैं सॉल्व करने पे तो वो लेंथी मेथड से बेहतर ये है अब इसको सॉल्व कीजिए और पोजीशन गिवन बिलो है और वहां पर लेटर कौन सा अपोजिट रहेगा डी कौन सा रहेगा पहली पोजीशन क्या है यहाँ पर टी सी ई कहाँ पर है देखना है सी ई यहाँ पर है लास्ट में तो डी के अपोजिट में क्या होगा राइट अब उसके बाद क्या है अगर हम फोर्थ इमेज को छोड़ दें अब तीन में कैसे कंपेयर करेंगे लेकिन हमको क्या देखना है डी का अपोजिट तो हमें सिर्फ कॉमन देखने से पहले क्या देखना डी कहाँ कहाँ पर है फर्स्ट और सेकंड में डी तो कभी भी वो वाली कंपेयर नहीं होगी जिसमें डी रहेगा तो थर्ड वाली पे हम जाएंगे जैसे अगर हम फर्स्ट से कंपेयर करें तो सी ई यहाँ पर है जिसमें से कोई कॉमन है क्या सी वाला कॉमन है तो स्टेप वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो अगर क्लॉकवाइज नहीं भी स्टार्ट नहीं भी देखे सर तो ये फर्स्ट में और थर्ड में नहीं फर्स्ट और फोर्थ में सर ई और सी सामने सामने है तो सर डी का अपोजिट ऑटोमेटिक ए हो जाएगा हाँ ए हो जाएगा नहीं हम ये एज्यूम कर रहे थे कि फोर्थ इमेज अगर नहीं रहती थी तो फोर्थ इमेज को छोड़कर सिर्फ तीन में आप कैसे निकालते थे तीन इमेजेस देखिए कैसे करना है तीन इमेजेस में डी पहले में था दूसरे में तो पहला लेना जरूरी नहीं है डी दूसरा लिए जिसमें सी भी कॉमन था बी सी भी कॉमन है तो यहाँ पर ये आ रहा है तीन इमेज के साथ और तीसरी हाँ अगर फोर्थ इमेज फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड ने टू एंड सेकंड टू एंड थर्ड को सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया तो वहां पर क्या है कि डी के साथ सी भी है तो थर्ड में भी सी भी है तो दोनों इमेजेस में जो लास्ट में है ए इस तरह ये भी नहीं आप असल में समझे नहीं क्या आपने जैसे फर्स्ट कैसे कंपेयर किए थे 2 मिनट पहले ये देखिए फर्स्ट में हमने क्या किया था डी में सी कॉमन था जब चार इमेज थे तो हमने सी कॉमन में ए ले लिया था अब थर्ड में हमने सेकंड इमेज को कंसीडर किया जिसमें डी के साथ क्या है सी भी थर्ड इमेज में भी सी भी कॉमन है तो ये ए रहेगा इतना सोचने का है नहीं उसमें अब उसके बाद क्या है अगर दो इमेज अगर हम कंसीडर करते थे फर्स्ट और सेकंड इसमें कुछ ला सकते थे आप नहीं सर क्योंकि वो सामने है ना डी डी सामने है राइट तो ये एज्यूम ही नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी इमेज आपको रूल क्या रखना है कि कोई भी इमेज ऐसी दी होगी जिसके अंदर अगर डी का अपोजिट पूछा जाए और डी उसी इमेज में दूसरा है तो उसको आप चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी अपोजिट फेस एक इमेज में नहीं रह सकता वो रॉन्ग रहेगा तो इस वजह से हम सेकंड को कंपेयर नहीं कर सकते बस तो ये रूल याद रखना है आगे 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 का क्वेश्चन इसका निकालिए विच कलर इज अपोजिट टू येल्लो येल्लो के अपोजिट में क्या है सब येल्लो जहाँ पर है पहली इमेज में ऑरेंज एंड ब्लू ऑरेंज ब्लू कहाँ पर है और ऑरेंज ब्लू दूसरे में
वॉयलेट यहाँ पर आ गया, ये आ गया फाइंड आउट। अगर दूसरी में इसको छोड़ देते थे तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करते थे बोलिए? येलो हमारे पास में तीसरी इमेज में तीसरी होंगी नहीं पहली बार, नहीं होंगी क्योंकि उसका अपोजिट फेस उस इमेज में रहता ही नहीं। अब अगर इसको हम लास्ट वाली इमेज से कंपेयर करें तो इसमें हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें सिमिलर कलर नहीं मिल रहे। थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें, थर्ड और फोर्थ, हाँ वो जो पैटर्न वाला फेस था सिमिलर करने वाला जोड़ी लगाने वाला, जैसा ब्लू का हो जाएगा रेड, रेड का लेकिन रेड का पर्पल कैसे होगा क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट उस वो केस में क्या होता है कि कांस्टेंट रहना जरूरी है, जैसे येलो है राइट साइड का तो येलो यहाँ पर कांस्टेंट रहना जरूरी है और ये दो अलग होना चाहिए। रेड का क्या आएगा नहीं लास्ट के दो इमेज के हिसाब से अभी बात चढ़ेगी। हाँ चलिए हम दूसरा कलर इसको एज्यूम कर लेंगे कि हम ऑरेंज का निकालना है, ऑरेंज का क्या होगा अपोजिट बोलिए? ऑरेंज का तो हमें येलो ब्लू कहाँ पर आ रहा है वो देखना, येलो ब्लू यहाँ पर है तो ऑरेंज का क्या हो गया रेड। अब बोलिए ब्लू का अपोजिट क्या होगा, ब्लू के साथ क्या है येलो ऑरेंज, तो येलो ऑरेंज कहीं पर है सिर्फ ऑरेंज है, येलो का कैसे निकाले? ब्लू ऑरेंज जहाँ पर है ये दूसरे में तो वायलेट निकला, ऑरेंज का कैसे निकाले? येलो का ऐसे निकाले ना एक कॉमन, उसके साथ वाले ब्लू और ऑरेंज दो साथ, दूसरी इमेज में ब्लू ऑरेंज दिख रहे हैं दो साथ तो तीसरा वाला 100% उसका अपोजिट। अब उसके बाद ऑरेंज कैसे निकाले? ऑरेंज में ब्लू और येलो था तो ब्लू और येलो कहाँ पर था थर्ड में, तो उसका रेड हो गया ऑरेंज का। अब उसके बाद बोलिए ब्लू का क्या निकलेगा अपोजिट, जिसमें येलो ऑरेंज है तब हमारे पास में येलो, येलो जो है तो वो अलग है और ऑरेंज अलग इमेज है, बचे हुए को नहीं देखना है, स्टेप वाला मेथड फॉलो करना है इसमें। जैसे कि येलो है, येलो चला ब्लू पर आने पर एक स्टेप, तो वो येलो यहाँ से चलेगा एक स्टेप तो ये रेड हो जाएगा। रेड ऑरेंज के कौन से कारण है सर? ऑरेंज के, हाँ ऑरेंज के कौन से कारण? हाँ और इसमें हमने अभी कौन सा ब्लू कहा तो हाँ इसमें क्यों रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ ब्लू ऊपर ही दिया हुआ था, जो भी इमेज में अगर वो अपोजिट फेज निकाल रहे हैं तो वो उसको कंसीडर नहीं करना है। तो हम देखेंगे जहाँ पर ब्लू नहीं है तो यहाँ पर है, अब ये देखना है कि ब्लू के साथ का कोई कलर है क्या, तो नहीं है इसमें ब्लू के साथ, तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ब्लू डायरेक्टली। सर रेड एक स्टेप ऊपर जाके ब्लू पे गए और उधर से रेड नीचे आ तो वो ब्लू का 100% पर्पल हो जाएगा जो मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास जो दो इमेजेस दिए हुए है तो उसमें भी ब्लू है, मतलब फर्स्ट में भी ब्लू है सेकंड में भी और थर्ड में भी। अब हमारे पास क्या रूल है कि जो भी इमेज में अगर वो नाम आ गया तो उसका अपोजिट बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसे हमारे यहाँ पर रेड गलत निकल रहा था तो क्योंकि उसके साथ ब्लू था, तो ऐसे फेस में आप स्टेप्स नहीं चला सकते और लास्ट वाले में कोई रिपीटेड कलर है ही नहीं। तो अभी हमारे पास गिवन क्या मिल गया, हमारे पास कलेक्शन क्या हो गया कि येल्लो का अपोजिट क्या हो गया वॉयलेट, ऑरेंज का क्या हो गया रेड। अब हमारे पास में दो कौन से कलर बचे जो लास्ट बॉक्स में, एक पर्पल, तो वो वाला कलर 100% ब्लू के अपोजिट में, ऐसे भी निकाल सकते हैं ऐसी कंडीशन। हाँ अगर आपके पास जब वो फाइंड आउट है आंसर जब, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये वाला निकालिए, विच कलर इज अपोजिट टू ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट में क्या है? अब देखिए ग्रीन कहाँ पर मिला है, थर्ड में, ग्रीन फोर्थ में भी है, ग्रीन के साथ रेड ब्लू है लेकिन यहाँ पर रेड ब्लू नहीं है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें देखना होगा कि इसके साथ के कहाँ पर है, एक में ब्लू है फोर्थ में लेकिन उसके साथ ग्रीन है, तो ये इसको नहीं कर सकते हम कंसिडर क्योंकि उसका अपोजिट फेस वाला उसमें नहीं रहना, इसको छोड़ देना है। अब है यहाँ पर हमारे पास रेड कहाँ पर है, पहली में कोई भी सिमिलर नहीं है, दूसरी इमेज में सिमिलर क्या है रेड, रेड को स्टेप एक चलाने पर ग्रीन आया तो रेड के एक स्टेप चलने पर ऑरेंज, तो ग्रीन का 100% अपोजिट है ऑरेंज। अब अगर आप बात करें रेड का अपोजिट क्या है तो उसका बोलिए क्या है, रेड के साथ क्या है ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू है कहीं पर और
रेड का सेम फेस है, वो अपोजिट नहीं रहे। बोलिए रेड का अपोजिट क्या है? ग्रीन ब्लू लास्ट इमेज में है राइट, तो उसका एंडिंग हो जाए राइट, फोर्थ इमेज से फाइंड आउट होगा। अब बोलिए कि लास्ट जो बचा ब्लू, ब्लू का अपोजिट क्या होगा? ग्रीन रेड कहीं पर है तो ग्रीन रेड एक साथ में नहीं है, एक में ग्रीन है तो एक में रेड है, तो अब क्या होगा ब्लू का अपोजिट? ग्रीन चला एक स्टेप ब्लू तक, लेकिन ये वाला कंसीडर नहीं होगा क्योंकि तो इसमें ब्लू है, ये फेस नहीं रहे, तो ग्रीन वाला नहीं ले सकते। अब हम लेंगे रेड, रेड को ब्लू तक आने पर दो स्टेप चलना है, तो रेड दो स्टेप यहाँ चलेगा तो वायलेट ग्रीन का आ जाएगा। ये पहले हमने फाइंड आउट इसको कर लिया था ग्रीन को, ब्लू का देखना था। ब्लू का बोलिए अब नहीं, अभी हमने हाँ ग्रीन का, ग्रीन का ऑरेंज था बराबर, ब्लू का वायलेट, ब्लू का वायलेट इस तरह से। अब आपको जल्दी से बोलना है हाफ सेकंड में कि ऑरेंज कलर किसका अपोजिट है? ग्रीन का, और वायलेट ब्लू, इंडिगो किसका अपोजिट है? रेड का राइट। तो इस तरह से सॉल्व खड़े वाले चीजों को क्या बोलते हैं? रो, कॉलम, कॉलम, और आड़े वाले को क्या कहेंगे? कॉलम्स। तो पहले कॉलम से एज्यूम करना है जो पूरी सीरीज बन रही है वो वाला फर्स्ट कंसिडर नहीं करना है कभी, मतलब जो पूरी सीरीज है उसको हम लेंगे। तब यहाँ पर टू और एक स्टेप छोड़ के फोर, तो टू का अपोजिट 100% क्या रहेगा? फोर। थ्री, अब उसके बाद जो जहां से हम छोड़ दिए थे वहां से लेना है, थ्री का अपोजिट फाइव, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट वन एंड सिक्स। दूसरी इमेज में चलते हैं, वन का अपोजिट क्या रहेगा? फाइव, फाइव रहेगा ये वाली इमेज। हाँ, वन का अपोजिट फाइव, थ्री का अपोजिट सिक्स, और बच गए जो टू का फोर। अब उसी तरह से ये थर्ड इमेज, वन का अपोजिट थ्री, टू का क्या लेंगे? फोर क्यों नहीं होगा? सिक्स क्या आएगा, लेकिन हमने कलेक्ट किया ये रो से एक, तो वो रो को छोड़ देना है, तो टू का अपोजिट हो जाएगा फाइव और फोर का सिक्स। फोर्थ इमेज में वन का फोर, थ्री का फाइव और बाकी टू सिक्स। उसी तरह से जो लास्ट में ये दिया हुआ है, वन का फोर, थ्री का सिक्स और टू का फाइव, ऐसे। अब एक एग्जाम वन के कर लीजिए भाई, दूसरे के क्या है? अपोजिट है, तो ये भी एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सर्कल वाली फिगर है यहाँ पे आपको एक साथ दिख रही है, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे आप देखिए, अब ये इमेज देखना है, इसके अंदर जो है तो सिंबॉलिक मैनर में दिया हुआ है, सिंबॉलिक मैनर कि मिसाल के तौर पे ऐसे अगर आता है तो फोल्डेड में क्या पूछ रहा है? अगर ये फॉर्म होता है, ये खुला पासा है, तो खुला डाइस, ओपन डाइस को अगर हम फोल्ड करके डाइस बनाते हैं तो क्या पैटर्न मिलेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको गिवन लिखना है, गिवन मतलब सिंबल बनाना है और उसके एरो डाल के एक दूसरे के अपोजिट में दूसरा लेना है। जैसे कि हमने देखा था अभी, वन का एक स्टेप छोड़ कर ये होगा, हाँ थ्री, और दूसरे का अपोजिट रहेगा फोर, और बाकी एक दूसरे से। तो अभी हमको पता है कि एक जैसे इमेज वाले या एक जैसे अल्फाबेट वाले या फिर एक जैसे नंबर वाले सीरीज के कभी भी एक साथ में नहीं आ सकते, तो उस हिसाब से यहाँ पर पहले में दो रिपीट हो रहे हैं, दूसरे में दो रिपीट, तीसरे में दो रिपीट, तो जिसमें रिपीट नहीं होगा वो फोर्थ वाला उसका आंसर है। ये इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला जब तक आप ऑनलाइन वाले इसको सॉल्व कीजिए। टेट के क्वेश्चन 2017 में 147 में है वो।
उसमें देखेंगे कैसे आ रहा था। और अभी यहाँ से आपको सबको है ना पीडीएफ भेजने वाले सॉल्व करने के लिए घर पर, मतलब पिछले क्वेश्चन पेपर सारे, तो आपने उसको एक एक दिन में पूरे खत्म कर देना रहेगा। ये देखिए टेट का क्वेश्चन है, ये टेट 2017 में जो हुआ था ये क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम अप होने वाला है 1 मिनट में ऑनलाइन वालों का, दूसरी मीटिंग में ज्वाइन करना रहेगा। फिर इसमें दिया गया है कि 3 पोजीशन है क्यूब के गिवन, इसमें जो है तो फाइंड आउट करना है पोजीशन अपोजिट क्या आएंगी 2 के, तो 2 के अपोजिट में 1 4 यहाँ पर था, 1 4 यहाँ पर, तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये जो हमने सीखा उसके हिसाब से। और क्वेश्चन कहीं पर था 125 पर भी कहीं था, हाँ मासे का क्वेश्चन।